एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब ठीक होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जो साइट दिखा रही हूँ वो अपना आज खरड़ में, मोहाली के साथ खरड़ में लोकेटेड है। और ये अपना रहेगा 1 BHK फ्लैट। और इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 52 गज में ये जो बना है। और स्क्वेयर फीट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 472 स्क्वेयर फीट है। और जो इसका प्राइस रहेगा वो 15.5 लाख ऑनवर्ड्स रहेंगे। और बाकी जो मैं अभी आपको फ्लैट दिखा रही हूँ ये सैंपल फ्लैट है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्लैट देखने में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सैंपल फ्लैट। तो आइए मैं आपको सैंपल फ्लैट में लेके चलती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमने ग्रीन कलर के मैट लगाए जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और ये देख सकते हैं ऊपर मैं सैंपल फ्लैट दिखा रही हूँ। और ये आपका जो डोर रहेगा वुडन का, जो काफ़ी ग्रेस दे रहा है आपके फ्लैट की लुक को। और आइए जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। और इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 11x12 का। और इधर हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया। ये सैंपल फ्लैट आपको दिखाया जा रहा है। और ये सोफे ये कॉम्बिनेशन में लगाए हमने। और इसके साथ ही कर्टन भी जो है कॉम्बिनेशन का है, ग्रे एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके साथ ही टेबल ये सारा जो है हमने लगा रखा है सैंपल फ्लैट में। अगर आप इसी तरह से अगर लेना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप अपनी मनपसंद जो है वो लगा सकते हैं, बट उसके चार्जेस जो है एक्स्ट्रा रहेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये टेबल लगा रखा है, स्पेस बच रहा था तो हमने यहाँ पे एक डेकोरेटिव आइटम लगा दिया। और इसी के साथ ही अब ऊपर देखें तो आपको मिलेगी डाउन सीलिंग फैन विद लाइट। और इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मॉड्यूलर किचन में। ये अपना जो है मॉड्यूलर किचन रहेगा। इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 6x7 का। और ये आपके सिंक आ जाता है, ये एक्वा फ्रेश का जो है आरओ। और इधर भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है। और ये आपके टैप्स रहते हैं। और ये आपका एक काउंटर रहता है ब्राउन एंड ग्रे कलर का, जो काफी ग्रेस दे रहा है। और ये हमने कॉम्बिनेशन में लगाया है अपने वार्डरोब के साथ। और ये इसके साथ ही इस साइड में कबर्ड्स, ये चिमनी, एंड इधर भी हमने कबर्ड, ये देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेशियस है। और एक सेकंड कैमरा मैन जरा इधर घुमाएंगे, इधर भी हमारे कबर्ड है। ये हमने जो है आपको यूटेंसिल्स के लिए स्पेस दे रखा है ताकि आप इसमें अपने यूटेंसिल्स स्टोर करके रख सकें। ये आपका क्या है, कटलरी सेट हो गया, क्रॉकरी सेट हो गया, प्लेट सेट हो गया, ये सारी चीजें। ये अपने हाइड्रोलिक है। और इधर भी आप अपना जो है राइस कंटेनर हो सकता, राइस कंटेनर रख सकते हैं, फ्लोर कंटेनर रख सकते हैं। और इधर आ जाता है आपका डस्टबिन एरिया, ये आपका डस्टबिन एरिया रहेगा। तो हम चलते हैं फ्लैट की ओर, सॉरी बेडरूम की ओर। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस रह रहा था तो हमने जो है अपने लिविंग एरिया को थोड़ा सा कस्टमाइज करा है। ये देख सकते हैं ये शो पीस के साथ विद टेबल ये हमने कस्टमाइज करा है। आप इस तरह से अपने घर को कस्टमाइज कर सकते हैं नई नई चीजों के साथ। तो हम लेके चलते हैं बेडरूम की ओर। तो ये आपका जो है बेडरूम रहेगा। बेडरूम में यहाँ देख सकते हैं ये मिरर है जिससे मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ और मेरा कैमरा मैन जो है अभी छुप रहे हैं। तो इसी के साथ ही हम इधर को एंटर करते हैं। तो ये आ जाता है हमारा बेड, ये देख सकते हैं ये भी काफी ज्यादा इसमें ग्रे कलर का जो हमने बैक लगा रखी है, आपने देखा होगा हॉल में जो सोफे लगे हैं उसके साथ मैच करते हैं। और आप भी इसी तरह से अपने रूम को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही ऊपर जो है आपको फैन विद लाइट्स दे रहे हैं। और उसी के साथ आपका आ जाता है एसी 1 टन का। और बेड के फ्रंट में हमने क्या करा है कि यहाँ पे LCD पैनल, ठीक है, ये देख सकते हैं ड्रॉअर भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ ही हमने LCD पैनल के साथ मैच करते हुए कबर्ड्स बनाए हैं। काफी ज्यादा स्पेशियस है, इसमें आप काफी अपने कपड़े जो है स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ऊपर भी जो कबर्ड्स है बट वो मैं खोल नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरी हाइट बहुत छोटी है। तो आइए अब मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशरूम की ओर। ये अपना जो है वॉशरूम रहेगा। ये वॉशरूम का जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 4.75 फीट बाय 4.75। और इसमें वॉश बेसिन, ये आपके टैप्स आ जाते हैं और शावर, देन ऊपर गीजर। इसके साथ ही उस साइड को हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी है। और एक चीज और, ये हमने जो एंटी स्किड स्टाइल्स लगाई है
जिसमें कि फिसलने का डर नहीं रहता है। तो चलिए अब लेके चलते हैं वॉशरूम वॉशिंग एरिया की तरफ। थोड़ी सी मेरी जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो ये अपना रहता है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे आप अपने इजीली क्लोथ वगैरह वॉश करके रख सकते हैं और सुखा सकते हैं। और इसका जो साइज रहेगा 4.50 feet by 4.50। तो ये था हमारा सैंपल फ्लैट। अगर आप भी इसी तरह से मतलब फ्लैट लेना चाहते हैं, अपने मन पसंद का जो है बनाना चाहते हैं, तो कस्टमाइज करना चाहते हैं मतलब रूम इंटीरियर को, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें प्लीज। कैमरा मैन एक बार जरा इनको सारा ऑल ओवर दिखा दीजिए, फिर हम वीडियो की एंड करते हैं। तो आपने देख लिया होगा हमारा सैंपल फ्लैट। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? और सबसे पहले अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी इसकी साइज और प्राइस क्या है। जो इसका साइज रहेगा वो है 52 स्क्वायर यार्ड में और 472 स्क्वायर फिट। और इसका जो प्राइस है वो 15.50 lakh ओनवर्ड्स है। और अगर आप ये सारी चीजें फर्नीचर अगर लेना चाहते हैं तो उसके आपके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं हमारी, और मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और जो रेडी टू मूव है उसकी भी, और फिर हम वो वाली भी बनाएंगे। और देख लिया होगा आपने फ्लैट, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।